में गांव ने कहानी यहां से शुरू होती है कि हरिद्वार में गंगा के घाट पर एक पत्रकार वहां रहने वाले साधुओं का जीवन देखने के लिए जाता है। वो देखना चाहता है कि साधु कैसे रहते हैं, इनकी दिनचर्या क्या है, इनकी जीवनचर्या क्या है। और वह पत्रकार नोटिस करता है कि एक साधु डेली सुबह 4 बजे कड़ाके की ठंड में नंगा होकर गंगा की तेज अविचल धारा में सामने की तरफ खड़ा होकर स्नान करता है। पत्रकार को बड़ा आश्चर्य होता है कि धारा के समानांतर नहीं बल्कि धारा के विपरीत मां भागीरथी के इस अंचल में यह बंदा डेली सुबह 4 बजे आकर खड़ा हो जाता है, कैसे ठंड नहीं लगती। पत्रकार पूछता है कि बाबा जी क्या रहस्य है, थोड़ा लेट भी नहा सकते हो, सूरज उगने के बाद नहा सकते हो, मरना जरूरी थोड़ी है इसमें, डर नहीं लगता आपको। बाबा जी बड़े निश्चय के साथ उसके आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहते हैं कि युवक, अब मोह माया और डर से मैं बहुत आगे निकल चुका हूं, मेरी जिंदगी में अब इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है। युवक को उन बाबा जी की बातों में बड़ा मजा आता है। पत्रकार को लगता है इस बंदे के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, मैं शायद जीवन के रहस्यों को थोड़ा और सुलझा पाऊंगा, इन बाबाओं की जिंदगी के बारे में जान पाऊंगा। वो अब अक्सर उनके साथ बातें करने के लिए बैठता है। एक दिन वो साधु, वो बाबा जी उस पत्रकार को एक कहानी सुनाते हैं। कहानी यूं है कि किसी एक गांव के अंदर दो भाई रहा करते थे जिनके माता पिता की बहुत अर्ली डेज में डेथ हो चुकी थी। दोनों भाई संघर्षों के साथ में पलते बढ़ते हैं। बड़ा भाई बेहद सहकुशल, व्यवहार कुशल, सदहृदय, अपने छोटे भाई के प्रति समर्पित, छोटे भाई को पालता है। वह छोटे भाई से कहता है कि मैं कमाई करके लाऊंगा, मजदूरी करके लाऊंगा, पर तू पढ़ के सरकारी नौकरी लग, ताकि आने वाली पीढ़ियों का उद्धार किया जा सके, सुधार किया जा सके। छोटा भाई भी उतना ही मन लगा के पढ़ता है, समय अपनी गति से आगे बढ़ता है और बड़े भाई की शादी होती है। पत्नी और अच्छी महिला, उतनी व्यवहार कुशल, सदगृहिणी मिलती है। वह उसे भी पूरी बातें समझाता है। पति पत्नी दोनों मिलकर अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखते हैं, पढ़ाई में ध्यान देते हैं। समय का कुचक्र कुछ यूं घुमा कि गांव में अकाल पड़े लगातार 2-3 साल तक। खेतों में खाने के लिए कुछ बचा नहीं तो मजदूरी कहां की जाए। कर्जा चढ़ने लगा, कर्जदार डेली मांगने के लिए घर आने लगे। बड़े भाई ने एक दिन रात को सोते समय अपनी पत्नी को कहा कि मुझे नहीं लगता अब इस गांव के अंदर रहना संभव हो पाएगा, वरना कर्जदार डेली आके पैसे मांग मांग कर शर्म से डुबो कर रख देंगे। क्यों ना मैं बाहर कहीं कमाने के लिए जाऊं, मैं देशावर जाऊं, दूसरी जगह पर कहीं कमाऊं जाके, ताकि कर्जा उतारा जा सके। मैं अब निकल रहा हूं, पर तुम याद रखना मेरी इस बात को कि भाई की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, भाई पढ़ना चाहिए। मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेजता रहूंगा, इसकी पढ़ाई में कोई आंच मत आने देना तुम। और पैसे मांगने वाले आए तो उनको कहना कि आदमी चला गया, तो तुम्हें तो वो तंग करेंगे। वह रात को अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है। भगवान बुद्ध बिना बताए गए थे और बड़ा भाई बताकर जाता है। दूसरे दिन जब मांगने वाले आए तो पत्नी ने कहा भाई आदमी तो घर से बाहर चला गया। तब तक गांव में लोगों की आंखों में इतना पानी जमा नहीं था, लोग इन बातों को समझते थे और उन्होंने कहा महिला से पैसे मांगने से तो क्या ही मतलब है, जब वो आएगा तब उसे लेंगे। शुरुआत के 2-3 महीनों में बड़े भाई ने पैसे भेजे, उसके बाद उसके न केवल पैसे आने बंद हुए बल्कि बड़े भाई की सूचनाएं मिलनी भी बंद हो गई। कहां है, कहां गया, कोई जानकारी नहीं। भाभी ने अपने देवर को पढ़ाने के लिए जो संचित पूंजी थी वो लगानी शुरू की। इतना यदि अधिक धन होता तो बड़े भाई को घर ही क्यों छोड़ना पड़ता, संचित पूंजी खत्म हो गई। तो उसने अपने गहने बेचे, जो बर्तन भांडे थे वो बेचने शुरू किए। लगा कि पार नहीं पड़ेगी, आदमी आ नहीं रहा है, इसकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, मैंने मेरे पति को वचन दिए हैं। तो खुद मजदूरी करने लगती है, हालांकि देवर कहता है कि भाभी मुझे मजदूरी कर लेने दो, पर वो कसम दिलाती है कि नहीं, तुम्हारे बड़े भैया कह के गए थे तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगी। पढ़ाती है, पढ़ा के नौकरी लगा देती है उसे। काफी साल बीत जाते हैं, बड़े भाई की अब तक कोई सूचना नहीं थी।
गांव की पंचायत बैठी और गांव की पंचायत ने कहा कि यह मान लिया जाए कि बड़ा भाई अब मर चुका है, इसलिए उसकी कोई सूचना नहीं। और चूंकि इस महिला के पति की डेथ हो चुकी है, अतः इस महिला पर अब इसके पीहर का पूरा अधिकार है। ये अपने पिता के साथ जा सकती है या इसके पिता जो निर्णय लेना चाहेंगे वो ले सकते। उस महिला को उसके पिता वापस गांव लेकर चले जाते हैं। पिता शराबी आदमी था, वो महिला सुंदर थी। पिता अपने उस लड़की को बेचकर अपने शराब के पैसों का जुगाड़ करना चाहता है। वो एक बड़े सेठ साहूकार जिसके पास बहुत सारे पैसे थे, जिसकी नजरें उस व्यक्ति की बेटी पर कई दिनों से थी, उसे समझौता करता और कहता तू मुझे इतने पैसे दे दे तो मैं मेरी बेटी तुझे बेच दूंगा। वो लड़की जब एक रात को अपने पिता और सेठ के बीच की बातचीत सुनती है तो वहां से भाग निकलती है। वो महिला भागकर वापस अपने ससुराल वाले घर में आती है, अपने देवर के पास आती है। देवर को पूरी बात सुनाती है कि मैं विपदा की स्थिति के अंदर हूं, मेरे पिता मुझे बेचना चाह रहे हैं, तुम कुछ करो। देवर कहता है कि मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, आप पर आपके पिता का अधिकार है, मेरा अधिकार है नहीं आप पर। वो महिला उसे याद दिलाती है कि समाज में नाता प्रथा भी होती है और नाता प्रथा के अंदर देवर भाभी के साथ शादी कर सकता है, क्यों ना तुम मेरे से शादी कर लो। देवर ने कहा कि आपकी बात यकीनन सत्य है भाभी, पर मैंने आपको मां की तरह देखा है, आपने भी मुझे मां की तरह पाला है, आपके साथ शादी की बात मैं सोच भी कैसे सकता हूं। उस महिला ने कहा कि किसी सेठ के पास पैसों में बेचे जाने के बाद और उसकी बांदी और दासी बनकर उसके चरणों में पड़े रहने से तो अच्छा है कि तुम ये अपना राग आलापना बंद करो और मेरे से शादी कर लो ताकि जिंदगी सुधर जाए मेरी। गांव की मीटिंग एक बार फिर भी और गांव की बैठक में निर्णय लिया गया कि भाभी सही कह रही है और इसको देवर के साथ शादी कर लेनी चाहिए। वो आपस में शादी कर लेते हैं। समाज के नियमों के अनुसार तो गलत भी नहीं था, नाता प्रथा होती थी और शादी की जाती थी ऐसी। समय के साथ उनके बच्चे होते हैं। एक दिन बड़ा भाई पुनः घर लौटता है और बड़ा भाई देखता है कि उसकी पत्नी ने और छोटे भाई ने आपस में शादी कर रखी है। बड़ा भाई जब घर लौटा तो भयंकर भयंकर धन और दौलत के साथ में घर लौटा, बहुत ज्यादा पैसे थे उसके पास में। और वो अपनी पत्नी से बड़ा खफा होता और उसने कहा कि मैं तुझे कहकर गया था कि मैं आऊंगा वापस, तुम मेरे बड़े भाई की पढ़ाई का ध्यान रखना, तुम मेरे से बेवफाई कैसे कर सकती हो मेरे साथ, ये दगाबाजी, और तुमने शादी कर ली आपस में, तुम मेरा इंतजार भी नहीं कर सकी। पत्नी बाकी गांव वालों ने बात बताई कि जब तुम्हारे इतने दिन तक कोई समाचार नहीं आए तो हमें लगा कि तुम मर चुके हो, ये निर्णय हमारा है, तुम इस प्रकार से इस निर्णय के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, हमें क्या पता था तुम लौट कर वापस आ जाओगे। रात को बड़ा भाई घर के बाहर सो रहा होता है, पत्नी अंदर सो रही होती है। वो सोच रही होती है कि हूं गोरी किण पीवरी, मैं अब किसकी हूं, अब मेरा पति कौन हो, वह पति जिसके साथ में फेरे लेकर इस घर के अंदर आई थी, या वह देवर जिसके साथ में नाते के तहत पत्नी बन गई थी। उधर बड़ा भाई रात को करवटें बदलता हुआ सोच रहा होता है कि ठहरे हुए पानी के अंदर कंकर मारने का कार्य तो मैंने किया है, ये लोग अब तक अपनी जिंदगी अपना जीवन यापन हंसी खुशी व्यतीत कर रहे थे, इनके जीवन में कोई कमी तो थी नहीं, फिर अचानक मैंने आकर इनकी जिंदगी में कोलाहल उत्पन्न जो कर दिया है, मैं पाप का भागीदार हूं। मन उचाटता है उसका जीवन से, वैराग्य उत्पन्न होता है उस क्षण में उसके। वो अपना सब कुछ धन संपत्ति माल दौलत चुपचाप वहां छोड़कर वापस चला जाता है। साधु बाबा हरिद्वार के पत्रकार को ये कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनाकर उठकर चले जाते हैं। पत्रकार सोचता है कि ये साधु वो बड़ा भाई तो नहीं, क्योंकि साधु ने बहुत शुरू में कहा था कि मैं घर गृहस्थी मोह माया डर से बहुत आगे निकल चुका हूं। ऐसी एक कहानी यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने लिखी जिसका नाम है हूं गोरी किण पीवरी। मुझे लगेगा कि आपको इसका जो टाइटल है वो समझ में आएगा कि ऐसा टाइटल क्यों दे दिया गया था। बाकी वाले तो